बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। CCIE एकेडमी की तरफ से आज हम लोग हार्डवेयर के एक नए ट्रबल शूटिंग देखते हैं। मेरे पास इस वक्त विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 हार्ड ड्राइव्स पड़े हुए हैं। एक की मेरे पास यहाँ पे 128 GB की है और एक मेरे पास यहाँ पे 2 TB की है, 1 TB की एक, 2 TB की है, एक 250 GB की मेरे पास हार्ड डिस्क है। यहाँ पे इनके ड्राइव्स लेटर्स कुछ यहाँ सीक्वेंस से नहीं आ रहे, तो मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इसका पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड तो शायद मुझे ही पता होगा, तो मैं इंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अब आते हैं ड्राइव लेटर। पहले कोशिश ये करते हैं कि ड्राइव को यकजा कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है और ये जो मेरे पास 128 GB की SSD हार्ड ड्राइव है, सी ड्राइव यहाँ पे, इसकी दूसरी पार्टीशन मेरे पास किसी और पोजीशन पे पड़ी हुई, ये मेरे पास है। मैं इन दोनों को साथ अपने नज़दीक रखना चाहता हूँ, फिर इनमें से मैं डेटा, या सबसे पहले मैं काम यू कर लेता हूँ, इनके डेटा मैं यहाँ से कट करके किसी और रख लेता हूँ। एम ड्राइव के नाम से इसकी डेटा मैं किसी और जगह पर रख लेता हूँ। यहाँ पर एम डेटा मैं इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तब तक हम लोग ड्राइव लेटर को चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं ड्राइव लेटर दे देता हूँ डी, और इसको मैं यहाँ पे ड्राइव लेटर यहाँ पे दे देता हूँ ई, इसको एफ। पहले मैं इसको ई एफ यहाँ पे कर लेता हूँ, ड्राइव लेटर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। कैसे, रन में आते हैं, यहाँ पे मेरे पास डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट डॉट एम एस सी या डिस्क MGMT डॉट एम एस सी, आप यहाँ पे टाइप करके इन्हें इंटर कर लें तो आपके पास डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी। आप डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। आते हैं, थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे बेसिक मेरे पास डिस्क 0 आ रही है, जो कि 1 TB की, डी ड्राइव और ई ड्राइव। इस वक्त जहाँ पे मेरे पास विंडोज़ मौजूद है, वो मेरे पास किसमें, यहाँ पे डिस्क 2 के अंदर मौजूद है। डिस्क 1 जो है वो 250 GB की है, डिस्क 2 मेरे पास, एक ड्राइव सी मेरे पास आ रही है यहाँ पे, 92 GB मैंने इसको असाइन की है, और एम ड्राइव भी इसी की है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आना है यहाँ पे इन ड्राइव्स को चेंज कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे एफ़ कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसके ऊपर चेंज ड्राइव लेटर इन पास कर ले, इससे यहाँ पे चेंज करके एफ ड्राइव कर ले और इन्हें ओके कर लें, यस। अब ये मेरे पास एफ में जाके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही मैं इसे भी अभी चेंज कर लेता हूँ, राइट क्लिक चेंज ड्राइव लेटर इन पास, इसे मैं यहाँ पे ई ड्राइव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसका यहाँ पे ड्राइव लेटर चेंज कर लेता हूँ, ई ड्राइव कर लेता हूँ, ई मैंने असाइन कर लिया यहाँ पे। अब मेरे पास एम ड्राइव जो यहाँ पे रह गई थी, वो सब मैंने यहाँ पे डेटा तो यहाँ से मैंने ले ली, इस ड्राइव को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ डी में। तो आता हूँ मैं यहाँ पे एम ड्राइव, राइट क्लिक चेंज ड्राइव लेटर इन पाथ, और इसे मैं चेंज करके डी लेटर असाइन कर लेता हूँ, ओके। यहाँ से क्या पूछे, सम प्रोग्राम दैट रिले ऑन ड्राइव लेटर माइट नॉट रन करेक्टली, डू यू वांट कंटिन्यू, यस जैसे यस करें, यह के बाद डी ड्राइव कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके बाद मेरे पास डी ई एफ, सबसे पहले मैं यू कर लेता हूँ, इसकी पार्टीशन मैं ऐसे ख़त्म कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसके साथ इन्हें मर्ज कर लेता हूँ। तो करते यूँ हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ऑल डेटा ऑन इट, बैकअप एनी डेटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग। डेटा मैंने ऑलरेडी रख लिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। डेटा मैंने इसके बैकअप रख लिए। अब यहाँ से ये क्या हुई, मेरे पास पार्टीशन डिलीट हो गई, वॉल्यूम ऐसे डिलीट हो गई। अब मैं आता हूँ इसी ड्राइव के ऊपर, सी के ऊपर राइट क्लिक कर ले, ये ना यहाँ पे एक्सटेंडेड देखते हैं इसकी, इसके मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन डिलीट कर लेता हूँ। साथ ही मेरे पास कुछ और पार्टीशन है इसके लिए, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम, तो ये इसी की थी मेरे ख्याल से। खैर, आते हैं इसके यहाँ पे ड्राइव यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बल्कि मैं इसे डिलीट नहीं करता, मुझे इसकी ज़रूरत भी थी ड्राइव्स की। नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट फिनिश कर लेते हैं। साथ ही ड्राइव लेटर इन्हें चेंज कर लेते हैं, वहीं से आप एक्सटेंडेड से जाके बना सकते हो, नेक्स्ट वॉल्यूम इसके ऊपर बना सकते हो। मैं सिर्फ ड्राइव लेटर अभी अभी असाइन कर लेता हूँ। तो मेरे पास डी
ई एफ आ चुकी है जी, मैं इसको यहाँ पे जी एच यानी ए बी सी की तरतीब से मैंने जाना चाहता हूँ, इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी ड्राइव मेरे पास है 250 GB की, 250 GB के लास्ट में रखना चाहते हो भी आपकी मर्ज़ी है, इसके बाद 1 TB का आप रखना चाहते हो तो इन्हें देख लेते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी वैसे कर लेते हैं। बल्कि मैं इसी को यहाँ पे रख लेता हूँ, 2 TB को या इसी को, खैर 2 TB को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। 2 TB मेरे पास की आ रही है यहाँ पे, ओ को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, वो कहाँ पे आ रही है, हम नीचे आ जाए, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, अब इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, ई एफ, एफ के बाद क्या के पास आएगी, जी आएगी, जी लेटर असाइन कर ले, ओके कर लें, यस। फिर पी के ऊपर मैं आता हूँ राइट क्लिक करके, चेंज लेटर एंड ड्राइव पाथ को चेंज कर लेता हूँ, जी के बाद के पास क्या आएगी, एच, जी एच आएगा के पास, आज जैसे उसके ऊपर यहाँ पे लेटर असाइन करके ओके कर लेने, यस कर लें। उसके बाद मैं क्यू के ऊपर आना चाहता हूँ, तो वेट करें इसके ऊपर यहाँ पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे जी एच आपके पास, इसके बाद आई लेटर आएगी, आई को मैं यहाँ पे असाइन करके ओके कर लेता हूँ, यस कर लेने। लास्ट में आर रहेगी मेरे पास वॉल्यूम, इसके ऊपर मैं क्लिक करके, तो वेट करते हैं यहाँ पे, जी एच आई चेंज हो गई मेरे पास, आर के ऊपर आते हैं राइट क्लिक करके चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ के ऊपर आते हैं, चेंज लेटर आके सी डी ई एफ जी एच आई, अब यहाँ पे जे कर लेते हैं यहाँ पे, जे यहाँ पे ओके कर लेते हैं, यस। अब ये मेरे पास जी आ गई, एच आई जे के, इनको मैं के में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एन ड्राइव जो है वो मेरे पास 250 GB की है, तो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप ओके आ जाए, यहाँ पे स्क्रॉल कर ले, आपके पास यहाँ पे ये आपके पास आ गई, कौन सी ड्राइव बनेगी, जी एच आई जे के, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ, कहाँ पे ये राइट क्लिक चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, और इसको चेंज करके यहाँ पे के कर ले, के असाइन कर ले। अब यहाँ पे तरतीब मेरे पास आ गई, ठीक है, ये मेरे पास जो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रही थी इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेज फाइल असाइन की है, ठीक, अब ये मेरे पास तरतीब इसकी सारी बन गई यहाँ पे। किस्सा ये है कि ये हमारे पास जाती कितनी हैं, आप इसमें एटलीस्ट जेड तक जा सकते हो, लेकिन इससे पहले ये देखा जाए कि इसमें ए ड्राइव कहाँ चली गई, बी ड्राइव कहाँ चली गई, ए ड्राइव बी ड्राइव जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे, ए ड्राइव बी ड्राइव आपके पास, ड्राइव ए, मैं तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ड्राइव ए एंड ड्राइव बी, ये पहले मेरे पास यूएसबी के लिए यूज़ होती थी, सॉरी किसी फ्लॉपी ड्राइव के लिए, ये हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव के लिए जाके यूज़ होती थी, फ्लॉपी ड्राइव के पास वन साइडेड के लिए ए ड्राइव यूज़ होती थी, जब फ्लॉपी हमारे पास डबल साइडेड आ गई तो फिर मेरे पास ए बी ड्राइव वहाँ पर रिजर्व की गई है, आप कभी ने चेक कर लिया बायोज में ए बी ड्राइव दोनों आपके पास रिजर्व है फॉर फ्लॉपी ड्राइव, किस चीज़ के लिए, फ्लॉपी ड्राइव के लिए जाके रिजर्व की गई है, आके मैंने चेक कर लिया, फ्लॉपी ड्राइव मेरे पास पहले आती थी 8 इंच की, 8 इंच की मैंने खुद ही देखी नहीं है, सुनी है, और तकरीबन वहाँ पे 5.25 इंच के ऊपर मैंने खुद ही काम किया, 5.25 इंच की जो वहाँ पे होती वहाँ पे यहाँ पे क्या फ्लॉपी ड्राइव थी, इसके ऊपर खुद ही मैंने काम किया, और 1.25, और उसके बाद मेरे पास आती, हमारे पास आती 3.5 फ्लॉपी ड्राइव, 3.5 इंच की जाके फ्लॉपी ड्राइव होती थी, इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे काम किए, और ये हमारे पास डबल साइड रहती थी, ये हमारे पास डबल साइड, अब क्या होता है कि ये आप इन एंटर कर देख ली फ्लॉपी ड्राइव को, आप फ्लॉपी को चेक कर ली, फ्लॉपी की अपनी ड्राइव भी आती थी, ये फ्लॉपी डिस्क है आपके पास, फ्लॉपी डिस्क वन साइडेड के लिए जाके ए ड्राइव असाइन किया जाता था, और जब ये केवल डबल साइडेड आ गई तो ये भी दोनों वहाँ पे रिजर्व की गई, दोनों ड्राइव्स वहाँ पे रिजर्व की गई है। इसमें आपके पास होता क्या था, मुझे याद पड़ रहा है इंशाल्लाह कि एक सेट पर हमारे पास डॉज वगैरह करता था, और एक सेट पर हम लोग यहाँ पे वर्ड परफेक्ट यूज़ करते थे, वर्ड परफेक्ट आजकल हम लोग एम एस वर्ड पढ़ रहे, तो एम एस वर्ड जो था मैं इसका पुराना नाम,
आज वो ऑफिस 2016 पढ़ रहे हैं, ऑफिस 2013 से पहले, ऑफिस 2010, ऑफिस 2007 उससे पहले, ऑफिस 2003 उससे पहले, ऑफिस 97, ऑफिस 97 से पहले एम एस वर्ड का जो पुराना नाम था उसे वर्ड परफेक्ट कहते थे, इसका वर्ड परफेक्ट कहते थे। और एक्सेल का जो पुराना नाम था ऑफिस 97 से पहले उसे लोटस, खास कुछ ऐसे स्पेल होगा, लोटस 123 नाम हुआ करता था एक्सेल का। ये आपके पास एम एस वर्ड का पुराना नाम है एम एस वर्ड, और ये दूसरा के पास जो आ रहा है लोटस 123, ये एम एस एक्सेल, एक्सेल जो आजकल इस नेम से आ रहा है ये पहले लोटस 123 के नेम से आया करता था। तो इट मीन्स हमारे पास ड्राइव ए एंड बी दोनों जाके रिजर्व की गई हैं, ड्राइव ए एंड बी रिजर्व फॉर फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। ठीक, जुबान पर हमें यूज़ भी आती है बार बार क्योंकि फ्लॉपी के दौर ही गुजर चुके हैं, बड़ा सब इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, सलाम अलैक नहीं इसके साथ, तो सलाम बनाते हैं ना भाई इसके साथ क्योंकि इस चीज़ सीखी पड़ी हुई मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास तमाम ड्राइव को मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दी थी, इस तरह से आप अपने ड्राइव्स को सीक्वेंस दे सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और साथ ही हमें याद रखें कि हमारे आपके पास जितने भी CCIE Academy के वीडियोज़ है आप यूट्यूब चैनल के ऊपर / यहाँ पे CCIE Academy टाइप कर ले, सारे वीडियो आपके यहाँ पे मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे, प्लेलिस्ट में आ जाए, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके पास यहाँ पे CCIE है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन पेज CCTV ट्रेनिंग, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं किसकी भी यहाँ पे वीडियोज़ बना ले, बेसिक नेटवर्क MS-DOS की, CCNP की, और विंडोज़ की, मेरे पास विंडोज़ के ऊपर मैंने काम किया, विंडोज़ XP से लेकर 7, 8, 9 सबके ऊपर काम किया यहाँ पे, और कोशिश करते हैं इतनी करके अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। लेनिस की वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करनी है, एक्सेल की एज वेल, पावर पॉइंट, कोरल एज वेल, साइबर सिक्योरिटी और CCNA सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करते हैं, टाइम मिला तो क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए अस्सलाम वालेकुम।